दरभंगा के लहेरियासराय स्थित प्रिंस होटल में सोमवार को सरकार के खिलाफ बोर्ड की लड़ाई का खुला ऐलान हो गया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की हुई इस प्रमंडल स्तरीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने साफ कर दिया कि आगामी विधान परिषद के चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन के उम्मीदवार को हराने के लिए सभी शिक्षक काम करेंगे और यदि सरकार फिर भी उनकी मांग नहीं मानती है तो विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने के लिए शिक्षक अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मोहम्मद रफीउद्दीन और संगठन पदाधिकारियों ने अतिथियों का सम्मान किया। सर, ये किस संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है? आज जो दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों की आज बैठक शिक्षक संघ की आयोजित की गई है, उसमें सरकार का जो शिक्षक विरोधी नीति है, अभी हम लोग 78 दिन तक हड़ताल किए और हमारी एक भी मांग आज तक पूरी नहीं की गई है, जबकि उन्होंने कहा था कि ये कोरोना का जो लॉकडाउन है वो समाप्त होगा तो हम उस पर करेंगे। आज वो अनलॉक चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी मांग को जो दरकिनार किया गया है, जो अनसुना किया गया है, उनके खिलाफ अब हम लोग वोट की लड़ाई सरकार के खिलाफ प्रारंभ कर दिए। आज का यहाँ बैठक हुआ, बैठक में यह फैसला लिया गया है कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू और भाजपा के जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनको हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ में वोट देंगे, उनको हराकर सरकार के पास अपना आक्रोश भेजेंगे और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा में सरकार के खिलाफ भी मतदान करेंगे और सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। हम लोगों का सीधा सा मांग था सरकार से, सात सूत्री मांग, जिसमें पुराना शिक्षक के जैसा वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा, पेंशन और सेवा शर्त था। सात सूत्री मांग को सरकार को हर कीमत पर पूरा करना होगा, अन्यथा अब सिंहासन और सत्ता खाली करना पड़ेगा। यह बिहार के 4 लाख शिक्षकों का संकल्प हो चुका है और सरकार को आपके माध्यम से हम सीधा संदेश दे रहे हैं, सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि शिक्षक और शिक्षा के साथ राजनीति बंद कीजिए और शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए, उनकी मांगों को पूरी करिए, अन्यथा अभी कोशिश और ये जो स्नातक का चुनाव हो रहा है सभी क्षेत्रों में, उस पर हम आपके प्रत्याशी को हराकर आपको एक छोटा संदेश देने जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं चेते तो विधानसभा क्षेत्र में के चुनाव में व्यापक स्तर पर हम लोग वोट की लड़ाई को छेड़ेंगे। ये बैठक के संदर्भ में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रमंडल लेवल का बैठक है, खास करके जो सरकार शिक्षकों के साथ जो व्यवहार कर रही है, वार्ता करने के लिए निमंत्रण न अभी तक दे रही है, न मांग का उसका कहीं निपटारा कर रही है, तो इस तरह का धोखाधड़ी के खिलाफ हम लोग जो विश्वास में लाके हड़ताल तोड़वाने का काम किया, आज वो हड़ताल टूट गया, लेकिन फिर अभी तक 78 दिन का हड़ताल के बाद भी न वार्ता की है, न मेरी मांग पूरा की है, इसी के खिलाफ अब हम लोग वोट की राजनीति में इनके तहत आ गए और इनको जहाँ जहाँ जो भी कैंडिडेट अभी होगा MLC का कैंडिडेट होगा उसको हराने का काम करेंगे, नहीं तो मेरा 100 समय रहते हुए मेरी मांग को पूरा कर दे। नाम बता दीजिए अपना। रामचंद्र राय, प्रदेश महासचिव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभ। क्या कहेंगे आप आज की इस बैठक के संदर्भ में? यह जो प्रमंडलीय स्तर दरभंगा की बैठक है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम 78 दिन से हड़ताल में थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार का आग्रह को हम लोगों ने स्वीकार किया और हड़ताल को वापस लिया। सरकार समझौता की थी कि कोरोना के दरमियान जो आपसे बात नहीं हुई है, लॉकडाउन समाप्त होते ही आपसे वार्ता करेंगे, लेकिन सरकार वार्ता नहीं करके शिक्षकों के साथ विश्वासघात कर रही है, धोखा दे रही है। इसीलिए हम लोग अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में सरकार के विरोध में मत डालेंगे और सरकार को बेदखल करने का काम करेंगे। क्या फिर से आप लोग आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? बैठक हुई है, बिहार सरकार ने जिस तरह से हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हमारे आंदोलन के उत्तरार्ध में जिस तरह से उसने कहा कि कोरोना का जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म होने के बाद आप लोगों से वार्ता होगी, तो उस सरकार की बात को हमने मान लिया, मानवीय संवेदना के आधार और हमने हड़ताल को वापस किया। लेकिन आज अनलॉकडाउन चल रहा है और बिहार सरकार का कहीं कोई संकेत नहीं है कि हम शिक्षकों के साथ वो वार्ता करें, और जिसके कारण हम लोगों का जो हड़ताल अवधि का सामंजन है वह नहीं हो रहा है सही ढंग से, हमारी समस्याओं को ठीक से सुना नहीं जा रहा और हमारी सात सूत्री मांगों का कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो इससे आक्रोशित होकर के हम सारे शिक्षक लोग ये फैसला लिए हैं कि MLC चुनाव से पहले हम एक बार फिर से तैयार होंगे और इस सरकार को जहाँ जहाँ भी इस सरकार का प्रतिनिधि MLC चुनाव में खड़े होंगे हम वहाँ उनको हराने का काम करेंगे और अपनी ताकत को दिखाने का काम। क्या नाम हुआ? राजाराम महतो, जिला उपाध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, समस्तीपुर।